आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 14 जुलाई की शुभदान की। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं, छोटी हों या बड़ी हों, लेकिन उनको अगर हम साइड सीन देखें तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर उनको हम फोकस करके उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा एनर्जी दें, तो वही परिस्थिति छोटे से बड़ी हो जाती है। फिर हम क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब में फंस जाते हैं। जैसे कल परमात्मा ने कहा कि क्या और क्यों की क्यों मत बनाओ। तो परमात्मा आज भी हमें कहते हैं कि परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हम आत्माएं उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह हमारे लिए एक हर दिन का कोई भी परिस्थिति में आते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी स्वमान है। और उसमें 8 शक्तियाँ आती हैं आपकी, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आती है आपकी, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आती है, सहयोग करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है, और साथ ही साथ संकीर्ण करने की शक्ति आती है। और एक और शक्ति होती है जो कि है आपकी बैकअप करने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं पूरे दिन भर में अपनी ट्यूनिंग करने के लिए, सिचुएशंस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार। तो अगर ये शक्तियाँ नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे बिहेव करें, कैसे हम रिएक्ट करें। तो परमात्मा कहते हैं, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। जैसे कि आप कार में जाते हो तो आपको साइड में बहुत सारे सीन्स दिखते हैं, लेकिन आपकी मंजिल है सामने, लेकिन साइड में किसी का एक्सीडेंट दिख रहा होता है, साइड में आपको बाढ़ दिख रही होती है, साइड में कोई होटल जा रहा होता है, कोई रेस्टोरेंट जा रहा होता है, कोई स्कूटर वाला जा रहा होता है, साइड में कोई ठेले वाला होता है, साइड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन आपकी मंजिल आपको पता होती है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है। घबराते नहीं, विघ्न नहीं है लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे जीवन में विघ्न या अड़ंगा लगाता है तो वो इस तरीके से देखें कि वो आपको किसी से परिचय कराने की कोशिश कर रहा है, वो आपको किसी से समीप लाने की कोशिश कर रहा है। वो विघ्न विघ्न नहीं है, वो जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई आत्माएं हैं, पिछड़े हुए संस्कार हैं, या जान पहचान नहीं है ठीक से, कोई आकर विघ्न डालता है, आपकी कंप्लेन करता है, आपके बारे में कुछ कहता है, तो आपको, आपके अगर क्वालिटीज हैं परमात्मा के, गुण हैं आपके, तो आप जब उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उससे और क्लोज आ जाते हैं, तो दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। तो परमात्मा ये कहते हैं वो विघ्न विघ्न नहीं है लेकिन आपके आगे बढ़ने का साधन है। परिस्थिति से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। तो कोई परिस्थिति आए तो आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा परीक्षा को एक क्लास आगे एडवांस होने का एक साधन समझना है। ये परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कोई भी सिचुएशन आई तो इसमें मेरे को क्या विजडम मिल रही है, मैं इसे क्या सीखने वाला हूँ, और इसमें मेरे क्या चीज़ इम्प्रूव होने वाली है। या तो हमारे संबंध इम्प्रूव होंगे, या तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, या तो हमारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे, कुछ ना कुछ तो हमारा इम्प्रूव हो गई होगा, या हमारी विजडम और पड़ेगी, या हमें और समझ आया कि लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे किस परिस्थिति को कैसे टालना है और आगे बढ़ना है। तो ये सब कुछ ब्रह्म कुमारी इसमें हमें सिखाया जाता है, और ये सारी शक्तियों के बारे में आपको पाठ पढ़ाया जाता है। आप भी आइए, इस विद्या को लीजिए। ओम शांति।